एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर एक 50 विंग का महिला मैटरनिटी हॉस्पिटल दिया, जो निर्माणाधीन है और बहुत जल्द मुझे लगता है अक्टूबर या नवंबर तक वो पूरा उसका काम होकर लोगों को सौंप दिया जाएगा। मुझे अभी जब हम लोग वैश्विक महामारी से गुजर रहे थे और आए दिन रोज़ केवल एक ही समस्या दिखाई दे रही थी कि ऑक्सीजन के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी देखते हुए मेरे अनुरोध पर, हम सब के अनुरोध पर ऑक्सीजन प्लांट छिबरामऊ के 100 शैया अस्पताल में लगाया गया, जिसके लिए 10 लाख रुपए का एक जनरेटर की व्यवस्था हम लोगों ने की है। वादा कर रहे हैं वो कि 50 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने दवाई के लिए अपनी सरकार में मंजूर कराया। मैं आपके माध्यम से, आज तक टीवी चैनल के माध्यम से, विधानसभा छिबरामऊ की जनता को, मैं विधानसभा के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जिस समय हम सरकार में थे उस समय यहाँ पर दवाई के कोई इंतजाम नहीं थे, यहाँ पर डॉक्टरों का कोई इंतजाम नहीं था, दवाई के नाम पर सेफई जाना पड़ता था यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को, उन लोगों को या तो कानपुर लखनऊ जाना पड़ता था। हमने अपने रहते हुए 100 शैया 100 बेड का एक आलीशान छिबरामऊ में हॉस्पिटल बनाने का काम किया और आज वही अस्पताल आपके कोरोना काल में और डेंगू जैसे भीषण संकट बीमारी में आज वही काम आ रहा है। और जो उन्होंने वादा किया गुरसाहेगंज में, उस समय जगह हमें नहीं मिल पाई थी हॉस्पिटल के लिए, वो शिलान्यास हमारे द्वारा किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, इनके द्वारा कोई निर्माण नहीं किया गया। अब 150 बेड का हॉस्पिटल हम लोगों ने खमन में बनाकर तैयार कर दिया है, उसकी OPD चालू है, वहाँ फिर मरीजों के इंतजाम देखने के सारे डॉक्टर बैठते हैं। तो दवाई और हॉस्पिटल का जहाँ तक इंतजाम है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हुए हम लोगों ने कराने का काम किया है। गाँव में पेयजल की बहुत भीषण समस्या रहती है। भीषण समस्या से ग्रस्त लोग जब मेरे पास आते हैं तो उनकी इस पीड़ा को देखकर लगभग 400 लगभग 500 हैंडपंप अभी तक उनका अधिष्ठापन किया जा चुका है। ग्रामों में मैंने 500 लीटर से लेकर के 1000 लीटर की टंकियां भी विधायक विकास निधि से देने का काम किया है ताकि लोगों को उसके दिक्कत ना हो। 500 मात्र 5 वर्ष के अपने पूरे कार्यकाल में, ये 5 उन्होंने काम, बहुत बड़े 5 काम गिनाने का जो वादा कर रही हैं, मात्र 500 हैंड पाइप छिबरामऊ विधानसभा में लगवाने का, हमारे द्वारा नहीं, खुद विधायिका ने जो दावा किया 5 बड़े कामों में 500 हैंड पाइप उन्होंने बताए हैं। तो मैं विधायिका महोदय को बताना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार का काम नहीं है, ये विधायक निधि होती है, प्रतिवर्ष 100 हैंड पाइप विधायक को अलाट होते हैं, 5 वर्षों में अगर 500 का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जब सरकार में थे तो पूरे प्रदेश में मात्र मेरा एक ब्लॉक विधानसभा छिबरामऊ का तालेराम ब्लॉक है, जहां पर हमने हर गांव में पानी की टंकी बनवाने का काम किया। हर गांव में आज पानी की टंकी बनी हुई है हमारे तालेराम ब्लॉक में, और छिबरामऊ के ब्लॉक में दर्जनों गाँव हैं जहाँ पर पानी की टंकी हम लोगों ने बनाने का काम किया। छिबरामऊ विधानसभा में नहर का भी हमने इंतजाम किया, यहाँ पर पानी की कोई समस्या नहीं है। और नगरी पेयजल योजना के तहत 24 करोड़ रुपया पानी के लिए, टंकी के लिए छिबरामऊ नगर पालिका को हमने उसमें देने का काम किया था। पेयजल योजना के लिए गुरसागंज नगर पालिका में 22 करोड़ रुपया हमने पानी की पाइपलाइन और टंकियों के लिए स्वीकृत कराने का काम किया। वो पानी का पूरा काम समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा किया है। और वो 500 का आंकड़ा बता रहे हैं, और हमने अपने 5 साल रहते हुए 3000 हैंड पाइप विधानसभा छिबरामऊ में सरकार के द्वारा माननीय अखिलेश यादव इसे स्वीकृत करा के विधानसभा छिबरामऊ में 3000 हैंड पाइप अतिरिक्त लगाने का काम किया था।